अब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? अबे हमें जाना है, कहाँ जाना है? आकाश को भी नहीं पता है? नहीं पता हमें। सो नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ मैं अब जा रही हूँ उसका नाम है रोजनबर्ग कासल, और जस्ट कासल के बगल में, मुझे दूर से भी कासल दिख रहा है, जस्ट कासल के बगल में इतना प्यारा ये एक गार्डन है जो कि किंग्स गार्डन के नाम से मशहूर है, और ऑटम की वजह से कितना सुंदर लग रहा है। जो अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं वही है रोजनबर्ग कासल। इधर से एंट्री नहीं है, एंट्री के लिए मुझे घूम के जाना उधर पड़ेगा, तो मैं अब जहाँ पे एंट्री है उस तरफ जा रही हूँ। So, अब हम कासल पहुंच गए हैं और कासल के एंट्री टिकट्स हैं। मेरा अंदर जाने का प्लान नहीं है क्योंकि अगर किसी भी कासल या पैलेस के अंदर जाओ तो 2 से 3 घंटे स्पेंड करने होंगे मिनिमम। जितना टाइम है नहीं मेरे पास, तो मैं अब चलूंगी अपने दूसरी साइट पे जो कि मुझे वापस से नहीं पता है कि क्या है। Hello. Hello guys. अब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? अबे हमें जाना है, कहाँ जाना है? आकाश को भी नहीं पता है? नहीं पता हमें। मंगल से पूछते हैं, मंगल क्या तुम्हें पता है हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट को नहीं पता, अभी तो बस पैलेस का रास्ता। पैलेस में शूट नहीं कर पाएंगे, देख रहे कितने बड़े बड़े गार्ड घूम रहे हैं वहाँ पे। अभी तो भूल मिलिट्री एरिया है, ये पता है ना तुम्हें? नहीं। अच्छा, तभी एरिया पूरा ही है, तभी ड्रोन्स मनाया यहाँ पे, फुल मिलिट्री एरिया वो उधर पूरा मिलिट्री। ओके, तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एंट्रेंस किधर है इस कासल का, और वहाँ पे शूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आई डोंट थिंक मिलिट्री एरिया, तो नहीं तो हमें फिर नेक्स्ट किसी दूसरी लोकेशन पे जाना होगा जो हमें नहीं पता है। हमारे पास एक मैप है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अभी उसमें पढ़ के देखना पड़ेगा कि हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। वी विल अपडेट यू इन सम टाइम। ओके बाय। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit. तो वॉक करते करते मुझे अब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, तो मैंने टोपी लगा ली है। मैं एक और एक्स्ट्रा टोपी और हेडबैंड लेकर आई हूँ, अभी उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। तो अभी मैं जिस तरफ जा रही हूँ वो है लिटिल मर्मेड, और उसके पहले एक स्टार शेप का आइलैंड है। वो ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैप में जब आप देखते हो वो बिल्कुल स्टार बड़ा सा बनाया है उन्होंने, और आसपास स्टार के लेक टाइप पानी बह रहा है, और हर कोने से एक ब्रिज है सेंटर में जाने के लिए। तो ये है वो पानी, और वो है पीछे विंडमिल जो मुझे अभी कवर करनी है। तो पहले शायद यही आएगी, तो इसको देख के फिर लिटिल मर्मेड की तरफ जाएंगे। सो अगर आपको इस विंडमिल तक पहुंचना है तो आपको कास्टलेट सर्च करना होगा। दूर से तो सुंदर लग रहा है, और ये जो स्टारशिप का आइलैंड बनाया हुआ है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। जो स्टारशिप का आइलैंड है उसमें बस एक ब्रिज क्रॉस करके थोड़ी सी हिल आपको चढ़नी है और आप यहाँ पहुँच जाओगे। पीछे है मेरे कैस्टलेट जो कि एक विंडमिल है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। एक साइड पे विंडमिल है, एक साइड पे रेड कलर की पूरी कॉलोनीज हैं, और जस्ट नीचे ही लेक है। ये पूरा मैन मेड आइलैंड ही है, बट इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, और बहुत अच्छी हवा चल रही है। अभी मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है जितनी थोड़ी देर पहले लग रही थी। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, विच इज लिटिल मर्मेड, और वहां से मैं जाऊंगी कैनाल की तरफ जिसको कि नी हैव कैनाल बोलते हैं,
और आपने इस कैनाल को, अगर आपने मनी हाइस सीरीज देखी होगी तो उसमें ज़रूर देखा होगा, जब बर्लिन आता है अपनी प्लानिंग के लिए अपने बेटे से शायद मिलने, तो जिस स्ट्रीट पे वो वॉक कर रहा है कैनाल के बगल में, जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में जो खाना वाना खाते हैं, वो वही जगह है। तो वो भी एक्सप्लोर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम पहुंच गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है लिटिल मर्मेड, और एक शो टाइप का बना रखा है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं फिक्स किए हुए हैं, और उन्हीं पत्थरों के बीच में एक मर्मेड को बैठाया गया है, और ये एक यहाँ का अट्रैक्शन है। काफ़ी भीड़ है अभी इसको देखने के लिए, फोटोग्राफी के लिए। थोड़ा बहुत ही सीनिक व्यू मिल रहा है। लिटिल मर्मेड से नीहावन कैनाल जाते टाइम रास्ते में मुझे एक और पैलेस मिला। इस पैलेस का नाम है अमेलियन पैलेस, और यहाँ पे मैंने देखा अभी थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ था, ख़त्म ही होने वाला था ऑब्वियसली, वो चेंजिंग ऑफ गार्ड्स। तो जैसे आपने लंदन वगैरह में देखा होगा या फिर किसी पैलेस के बाहर देखा होगा, जो गार्ड्स परेड करते हैं, चेंज होते हैं, एक दो इधर उधर मार्च करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा वो रिकॉर्ड किया। बाकी काफ़ी बड़ा पैलेस है ये, चारों तरफ सेम जैसी बिल्डिंग है। आ गए हैं हम उसी लोकेशन पे जिसके बारे में बता रही थी कि नीहावन कैनाल, यहाँ पे शूटिंग हुई थी मनी हाइस्ट की, और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है उस टर्म्स में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एम्स्टरडैम की तरह दिखती है। तो यहाँ पे कैनाल भी है, यहाँ पे बोट क्रूज भी है, और यहाँ पे बाइक्स भी है, तो ये बिल्कुल ही वैसा एम्स्टरडैम जैसा लग रहा है। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि विंटर इवनिंग या फिर विंटर नाइट में अगर आप डिनर के ऑप्शंस देख रहे हैं, कोई कोजी ऐसा रेस्टोरेंट हो जहाँ पे ऐसे हल्की हल्की हीटिंग लैम्प्स जल रहे हों, आपको ठंड ना लगे, थोड़ी वार्म हो, तो ये वही जगह है। आप यहाँ पे लाइन से आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आप वहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है अगर आप नॉर्मल अगर फास्ट फूड से कंपेयर करेंगे तो, बट सी फूड वगैरह के लिए अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स लग गई हैं, और थोड़ी थोड़ी डेकोरेशंस अभी भी चली रही हैं, जैसे यहाँ पे क्रिसमस ट्री काफ़ी सारे पैक्ड रखे हुए हैं जिसको अभी सजाना बाकी है। और हम चलते चलते देखेंगे जो ये छोटी छोटी शॉप हैं, वहाँ पे कुछ स्वीट डिशेस भी मिल रही हैं, वहाँ पे वाइन मिल रही है, और कई सारे जो क्रिसमस रिलेटेड स्नैक्स होते हैं वो आप वहाँ पे खरीद सकते हैं। और एक व्यू है जो बहुत ही शानदार है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। तो जब आप उस स्ट्रीट पे हो तो आपको ऐसी ऑपोजिट व्यू यहाँ मिलेगा, आप इस तरफ हो तो आपको उधर ऑपोजिट वैसी सेम व्यू मिलेगा। तो जब भी आप किसी वीडियो में मूवी में कोपेनहेगन देखेंगे तो यहाँ पे शूटिंग जरूर हुई रहती है, जहाँ पे ऐसे कलरफुल बिल्डिंग्स बैकग्राउंड में दिखाई देती हैं। तो शाम के बज रहे हैं 5:30, आपको मेरे पीछे अगर आपको आसमान दिख रहा है, और इतना क्लाउडी आसमान है उसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि सिर्फ 5:30 बज रहे हैं। तो मैं वापस से वहीं आ गई हूँ जहाँ मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। ये मेरे पीछे है सिटी हॉल, और हम खड़े हैं सिटी हॉल स्क्वायर पे। दिन में जितना ही बोरिंग और वैसी बिल्डिंग्स लग रही थी, वो बिल्कुल ही जगमगा गई हैं अब।
सो मैंने बर्गर किंग में खाया. आज अगर आप रेट पूछो तो एक एवरेज मील प्लांट बेस्ड या फिर चिकन बेस्ड या फिर फिश बेस्ड 60 डैनिश क्रोन से स्टार्टिंग है, इंक्लूडिंग फ्राइज एंड कोक. आप ड्रिंक चेंज करा सकते हैं, कोई दूसरा मिल्क शेक ले सकते हैं या फिर कोई टी ले सकते हैं. बाकी अगर आपको सिंगल खाली बर्गर का कॉस्ट जानना है तो वो 20 डैनिश क्रोन था बस, चीप. सो अब मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है स्टॉकहोम की आज रात में 11 बजे, और अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं मॉर्निंग निकल गई थी, कितने 8 बजे निकली थी, और मैंने पूरी सिटी कवर कर ली, जितनी भी मेजर अट्रैक्शंस थे सारे कवर कर लिए. कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आइटनरी में ये था वो मिस हो गया. हाँ, म्यूज़ियम वगैरह अगर आपको सेपरेटली जाना है तो आपको ज़्यादा टाइम लेके आना है, बट आप सारे पैलेसेस, गार्डन्स और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो बाहर से देखना चाहते हैं या फिर जो चर्च है आप अंदर जाके देखना चाहते हैं तो इट्स डूएबल. और अभी भी 5:30 बज रहे हैं तो अगर कुछ रह भी जाता तो मैं और 1-2 घंटे में कवर कर लेती. अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा एयरपोर्ट. एयरपोर्ट में वापस से मेरी सास एयरलाइन की फ़्लाइट है. काफ़ी लाइवली मार्केट में आ गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है रेड रेड लाइट्स देख के कि ये चाइना टाउन जैसा एरिया है. सो अभी हम सिंस मार्केट वाले एरिया में ही चल रहे हैं तो मैंने कुछ सुविनेर्स देखे थे, मैं उनका प्राइस बता देती हूँ. 35 डैनिश क्रोन विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5 यूरोज, इतने का एक आपको फ्रिज मैग्नेट मिल जाएगा, और अगर आप 3 लोगे तो जो उसका कॉस्ट 15 यूरो पड़ता है वो 14 यूरो पड़ेंगे. तो कुछ जगह आप यूरो करेंसी भी चला सकते हैं बट ये हर जगह ऑप्शन नहीं है, तो कार्ड से पेमेंट करनी पड़ रही है जो भी फोरेक्स का कार्ड हो. तो यही, अगर आप 3 लोगे फ्रिज मैग्नेट तो 100 डैनिश क्रोन्स में मिल जाएंगे. सर जल्दी से मैं भी एक अपने लिए सुविनेर ले लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे वापस से नेक्स्ट कंट्री में जो है स्वीडन, और हम जो सिटी कवर करने वाले हैं वो है स्टॉकहोम. सो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय.